हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका लाइफ एक हैप्पी लाइफ हो और एक लॉन्ग लाइफ हो, यानी कि जीवन खुशमय व्यतीत हो और वो लंबा आयु तक जिए, और उसको लाइफ में ये पता नहीं चले कि हम कोई टास्क कर रहे हैं या किसी बोझ को ढो रहे हैं, वो परेशान नहीं हो। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो, और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक हैप्पी और लॉन्ग लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। तो हर आदमी के लाइफ में एक उद्देश्य होता है और एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, और उस काम को करने के लिए वो सोचता नहीं है, अपने काम में इतना मग्न हो जाता है कि उसे टाइम का पता नहीं चलता है। तो ये जो हम कोई लाइफ में काम करते हैं उसके चार उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य ये हो सकता है कि वो काम जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, दूसरा वर्क दैट द वर्ल्ड नीड, वह काम जिसको संसार की ज़रूरत है, और तीसरा व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, और वह काम ये जिससे करने से मुझे पैसे की प्राप्ति होती है, और चौथा है कि व्हाट यू आर गुड एट, वो काम जिसमें हम को निपुणता हासिल है, हम निपुण हैं, हमें स्किल्ड हैं उस काम के लिए। तो ये चार उद्देश्य है उस काम को करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि हम काम करते हैं, हमें किस तरह का उद्देश्य या पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है उस काम को करने में, हमारे जीवन में वो हमारे लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम लाइफ को कैसे लॉन्ग लाइफ बनाएंगे और कैसे एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ बनाएंगे। तो अगर आपको हैप्पी और लॉन्ग लाइफ बनाना है तो उसके लिए क्या होता है कि ये आप जो काम करते हैं उसमें आपको स्किल्ड हो, आपको नॉलेज हो, और जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस काम को या उस एक्टिविटी को आप बहुत प्यार करते हैं, और उसको उस काम का दूसरे को रिक्वायरमेंट है, और तीसरा कि आपको उस काम करने से पैसा भी मिलता है, और उस काम में आप स्किल्ड हैं, आप निपुण हैं, और ये कम्बिनेशन मिल जाए, इसी को हम बोलते हैं आइकीगाय। और आइकीगाय जो है ये एक जापानीज वर्ड है। ये जापानीज वर्ड जो है ये दो वर्ड से बना है, आइकी और गाय। आइकी का मतलब होता है लाइफ, और गाय का मतलब होता है रीजन और इफेक्ट या उद्देश्य। तो अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य और हम अपने लाइफ का जो आइकीगाय है अगर उसको हम प्राप्त कर लें तो हमारा जो जीवन है बहुत ही खुशहालमय और लंबा आयु का बन सकता है। तो अब देखिए इसके कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो काम जिसे व्हाट आई लव, जिसे हम प्यार करते हैं, दूसरा व्हाट द वर्ल्ड नीड, जिसे दूसरे को ज़रूरत है आपके काम की, जिसे काम की संसार की रिक्वायरमेंट है, और तीसरा व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, और उस काम के लिए आपको पैसा मिलता है, और चौथा व्हाट यू आर गुड एट, और आप उस काम में निपुण हैं, आपको स्किल्ड है उस वर्क के लिए, आपको दक्षता प्राप्त है उस वर्क में। तो अगर हम डिस्कस करें कि वो काम जिसे हम प्यार करते हैं और जिसको वर्ल्ड को ज़रूरत है, उसको हम दो भागों में डिसाइड करेंगे, जैसे व्हाट आई लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड। अगर इस रिक्वायरमेंट की पूर्ति होती है और ये दो कॉम्बिनेशन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिशन बोलते हैं। दूसरा कि अगर जिस काम को ज़रूरत है और जिसके लिए आपको पैसा मिलता है उसको हम वोकेशन बोलते हैं, और वो काम जिसे आपको पैसा मिलता है और आप उसको उसमें दक्षता प्राप्त है, आप उसमें स्किल्ड हैं, निपुण हैं, उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। और जिस काम में आप अच्छे हैं और जिस काम को आप प्यार करते हैं, जिस काम को करने में आपको आनंद मिलता है, उसको हम पैशन बोलते हैं। तो ये है मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन और पैशन। ये दो उद्देश्यों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मिशन हो गया व्हाट आई लव और व्हाट द वर्ल्ड नीड, अगर दो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो उसको मिशन बोलेंगे। व्हाट द वर्ल्ड नीड एंड व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इसको वोकेशन बोलेंगे, और व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर एंड व्हाट यू आर गुड एट,
आपको जिसके लिए पैसा मिलता है और जिसमें आपको स्किल्ड हैं, आप निपुण हैं, इसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। एंड व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट आई लव का कम्बिनेशन बनेगा तो उसको हम पैशन बोलेंगे। अगर चारों चीज़ जिस मिल जाए इसमें, पैशन, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन, वो जाके बनता है हमारा आइकिगाई, जो जापानीज वर्ड है। और आइकिगाई जो है क्या है, ये हमारे लाइफ में सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और लॉन्गविटी लाता है, यानी कि हमारी आयु लंबी होती है। हमें हम चिंता मुक्त होकर, मग्न होकर, एक फ्लो स्टेट में जाकर हम काम को करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम आइकिगाई को कैसे फाइंड करेंगे। हर आदमी का एक लाइफ का उद्देश्य होता है, एक उसका ऐसा कोई, उसके लिए लाइफ में कोई काम होता है, जुनून के साथ उस काम को करता है और उसको सोचता नहीं है कि हाँ कब, टाइम का पता ही नहीं चलेगा जब उस काम में वो मग्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे फाइंड करेंगे अपने लाइफ के पर्पस को और उद्देश्य को, जिसको हम आइकिगाई बोलते हैं। तो पहला है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ, आपकी क्या है, उसको फाइंड कीजिए। दूसरा, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, वो काम क्या दूसरे के लिए, उस काम की रिक्वायरमेंट है जो आप काम कर रहे हैं, उसके दूसरा उस काम को उस चाहिए उसको। और तीसरा, व्हाट आर योर पैशंस, आपका पैशन क्या है, अपने पैशन को फाइंड कीजिए, जिसमें आपको क्या, जिसमें आप स्किल्ड हैं और जिस काम को आप अच्छा लगता है उसको ढूंढना जरूरी है, उसको हम पैशन बोलते हैं। तो अपने पैशन को फाइंड कीजिए। और लास्ट है कि व्हाट कैन यू अर्न ए लिविंग डूइंग, और आपको कि उस काम के करने से क्या आपको पैसे मिलते हैं, क्योंकि हर लाइफ को चलने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो उस काम के लिए अगर हमें कोई पेड करे तो वो भी ज़रूरी है। तो ये चार क्वेश्चन है जिससे आप अपने आइकिगाई को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये मेरा जो टॉपिक है आइकिगाई और अपने लाइफ को कैसे हम हैप्पी और एक लॉन्ग लाइफ बनाएं, इस टॉपिक को मैंने आइकिगाई बुक से लिया है, जिसके जो ऑथर हैं ये हेक्टर ग्रासिया एंड मिरेल्स, जिन्होंने ये बुक लिखी है, इसी से मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया है। तो आइए हम इस वीडियो को एक बार समराइज कर देते हैं कि मैंने क्या इसमें डिस्कस किया। मैंने डिस्कस किया कि अपने हैप्पी, सेटिस्फाइड और लॉन्ग लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए। हर आदमी के लाइफ में एक उद्देश्य होता है, अपने आप को, जो आपका मिशन है, वोकेशन है, प्रोफेशन है, पैशन है, उसके कॉम्बिनेशन का आपका लाइफ का उद्देश्य हो, जिसको आइकिगाई बोलते हैं, जिसको आपको करने में आपको पता ही नहीं चले कि हाँ हम इस काम में कब स्टार्ट किए और कब ख़त्म किए, ऐसे आप फ्लो स्टेट में चले जाएं, तो आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होइएगा, अपने आप लाइफ से हैप्पी रहिएगा और आपका लाइफ लॉन्ग होगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।